दुर्लभ वन्य जीव प्रजाति कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य वन्य पशु है। इसकी गिनती जंगल के खूबसूरत जीवों में होती है। कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका वैज्ञानिक नाम मॉस्कस क्राइसोगास्ट है। अपनी आकर्षक खूबसूरती के साथ यह जीव नाभि से निकलने वाली अप्रतिम खुशबू के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, जो इस मृग की सबसे बड़ी खासियत है। इस मृग की नाभि में गाढ़ा तरल कस्तूरी होता है, जिसमें से मनमोहक खुशबू की धारा बहती है। कस्तूरी केवल नर मृगों में ही पाया जाता है। यह जीव उत्तराखंड के अलावा अन्य हिमालय के क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम में भी पाया जाता है। कस्तूरी मृगों की चार प्रजातियां पाई जाती हैं, जो सभी आपस में बहुत ही मिलती जुलती हैं। कस्तूरी मृग नामक पशु मृगों के एंग्यूलेटा कुल के होते हैं। यह मॉस्कस मॉस्किफेरस नामक प्रजाति का जुगाली करने वाला सींग रहित चौपाया है। प्रायः हिमालय पर्वत के 2400 से 3600 मीटर तक की ऊंचाइयों पर तिब्बत, नेपाल, हिंद, चीन और साइबेरिया, कोरिया इत्यादि के पहाड़ी स्थानों पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग एक छोटे मृग के समान नाटी बनावट का होता है और इनके पिछले पैर आगे के पैरों से अधिक लंबे होते हैं। इस मृग की ऊंचाई 52 से 55 सेंटीमीटर होती है। इनकी लंबाई 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 7 से 17 किलोग्राम तक होता है। कस्तूरी मृग का जीवन काल 10 से 20 वर्ष तक का होता है। कस्तूरी मृग के पैर कठिन भूभाग में चढ़ाई के लिए अनुकूल होते हैं। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कस्तूरी मृग प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से एक है। यह 2 से 5 हजार मीटर ऊंचे हिम शिखरों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मॉस्कस क्राइसोगास्ट है। यह हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं अपितु अपनी नाभि में पाए जाने वाले कस्तूरी के लिए अधिक प्रसिद्ध है। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, जो इसके पेट के निचले भाग में जननांग के समीप एक ग्रंथि से बहती रहती है। यह इसके पेट के नीचे एक थैली नुमा स्थान पर इकट्ठी होती है। कस्तूरी मृग छोटा और शर्मीला जानवर है। इसका रंग भूरा और उस पर काले पीले धब्बे होते हैं। एक मृग में लगभग 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी पाई जाती है। नर की बिना बालों वाली पूंछ होती है। इसके सींग नहीं होते। पीछे के पैर आगे के पैरों से लंबे होते हैं। इसके जबड़े में दो दांत पीछे की ओर झुके होते हैं। इन दांतों का उपयोग यह अपनी सुरक्षा और जड़ी बूटी को खोदने में करता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। कस्तूरी का उपयोग औषधि के रूप में दमा, मिर्गी, निमोनिया आदि की दवाएं बनाने में होता है। कस्तूरी से बनने वाला इत्र अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन दौड़ते समय 40 से 50 मीटर आगे जाकर पीछे मुड़कर देखने की आदत ही इसके लिए काल बन जाती है। कस्तूरी मृग को संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। इसके खुरों और नखों की बनावट इतनी छोटी, नुकीली और विशेष ढंग की होती है कि बड़ी फुर्ती से भागते समय भी इसकी चारों टांगे चट्टानों के छोटे छोटे किनारों पर भी टिक सकती हैं। नीचे से इसके खुर पोले होते हैं। इसी से पहाड़ों पर गिरने वाली रुई जैसी हल्के बर्फ में भी ये नहीं धंसते और कड़ी से कड़ी बर्फ पर भी फिसलते नहीं। इसकी एक एक छलांग 15 से 20 मीटर तक लंबी होती है। इसके कान लंबे और गोलाकार होते हैं तथा इसकी सुनने की शक्ति बड़ी तीक्ष्ण होती है। इसके शरीर का रंग विविध प्रकार से बदलता रहता है। पेट और कमर के नीचे भाग लगभग सफेद ही होते हैं और बाकी शरीर कत्थई भूरे रंग का होता है। कभी कभी शरीर का ऊपरी हिस्सा सुनहरी झलक लिए हुए लाल, हल्का पीला या नारंगी रंग का भी पाया जाता है। ज्यादातर इन मृगों की कमर और पीठ पर रंगीन धब्बे रहते हैं। अल्पवयस्कों में धब्बे ज्यादा होते हैं। इनके शरीर पर खूब घने बाल रहते हैं। बालों का निचला आधा भाग सफेद होता है। बाल सीधे और कठोर होते हुए भी स्पर्श करने में बहुत ही मुलायम होते हैं। बालों की लंबाई 76 मिलीमीटर की लगभग होती है।
कस्तूरी मृग पहाड़ी जंगलों की चट्टानों के दर्रों और खोहों में रहता है। साधारणतया यह अपने निवास स्थान को कड़े शीतकाल में भी नहीं छोड़ता। चरने के लिए ये मृग दूर से दूर जाकर भी अंत में अपने रहने की गुफा में लौट आता है। आराम से लेटने के लिए यह मिट्टी में गड्ढा सा बना लेता है। कस्तूरी मृग शाम को और रात में गतिशील रहते हैं। भारी वर्षा की अवधि के दौरान ये आमतौर पर कम सक्रिय हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। कस्तूरी मृग प्रवासी पशु हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान ये जानवर खड़ी ढलान पर रहते हैं। गर्मियों की शुरुआत के साथ वे अपने पहाड़ी क्षेत्र की नदी घाटियों के किनारे घास के मैदानों में चले जाते हैं। बसंत और पतझड़ के महीनों के दौरान वे इकट्ठे होकर मलमूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं, जिसकी एक विशिष्ट गंध एक मृग से दूसरे मृग के बीच संचार का एक साधन बन जाती है। कमजोर और छोटे नर आमतौर पर दूसरे नर के क्षेत्र में आने से बचते हैं, क्योंकि बलवान नर उन्हें लड़कर भगा देगा। इसके अतिरिक्त नर अपने क्षेत्रों को अपनी स्मेल छोड़कर मार्किंग करते हैं। कस्तूरी मृग शाकाहारी है, जो आमतौर पर कोमल पत्तियां, झाड़ियां, छाल का सेवन करते हैं। ये मृग 4 मीटर तक वृक्षों पर चढ़कर भी ताजी फूल पत्ती को खाते हैं। इस डाइट के साथ ये जीव यंग शूट्स, कॉनिफेरस नीडल्स, बर्ड्स, एस्पेंस, मेपल, विलो बर्ड, बर्ड चेरी आदि को भी खाते हैं। एक वयस्क कस्तूरी मृग एक दिन में लगभग 800 ग्राम तक घास, फूल पत्ती चर लेता है। इन जानवरों में 4 पेट होते हैं, जिनमें से केवल एक का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य झूठे पेट होते हैं। वे गायों की तरह अपना भोजन चबा कर पचाते हैं। एक संभावित खतरे को देखते हुए ये जानवर समुदाय के सदस्यों को अपनी पूंछ उठाकर अलार्म कॉल करते हैं। ये ऋतु काल के अतिरिक्त कभी भी इकट्ठे नहीं पाए जाते और इन्हें एकांत सेवी पशु ही समझना चाहिए। प्रत्येक नर कस्तूरी मृग अपने अधीन 300 हेक्टेयर तक जंगल को रखता है, जिसमें यह अपने साथ 1 से 3 मादा मृग को रखता है। कस्तूरी मृग नवंबर दिसंबर के महीनों में प्रजनन करते हैं। इसका गर्भकाल 6 महीने का होता है। गर्भकाल पूरा होने पर कस्तूरी मृगी झाड़ियों के नीचे, देवदार की निचली शाखाएं या गिरे हुए पेड़ों के नजदीक 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे करीब 2 साल तक अपनी माता के साथ रहते हैं, जबकि 1.25 साल से 1.5 साल की उम्र तक ये बच्चे वयस्क हो जाते हैं। कस्तूरी मृग से प्राप्त कस्तूरी एक अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ है। सोने की तुलना में कस्तूरी अधिक मूल्यवान होती है। कस्तूरी मृग के आर्थिक महत्व के कारण उसके शरीर पर सटी कस्तूरी की थैली ही उसके लिए मृत्यु का दूत बन जाती है। रुद्रप्रयाग जिले में चोपटा के तुंगनाथ महादेव के आसपास कस्तूरी मृग अभयारण्य स्थित है। तुंगनाथ महादेव मंदिर के मार्ग में ही इस अभयारण्य का कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी स्थित है। यहाँ पाया जाने वाला कस्तूरी मृग 8,000 से 15,000 फुट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में दिखाई देता है, लेकिन नर मृग की नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी ही इसकी दुश्मन है। शिकारी लोग नर और मादा का फर्क नहीं करते और दोनों का ही शिकार करते हैं। प्रतिवर्ष हिमालय से 200 किलो तक कस्तूरी विदेशी बाजारों में भेजी जाती है, जिसके लिए शिकारी 20 से लेकर 30 हजार मृगों का शिकार करते हैं। जाहिर सी बात है, इसी वजह से मृगों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। हालांकि सरकार ने इसे लुप्त प्राय जानवरों की सूची में शामिल कर इसके शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा इस मृग के संरक्षण व संवर्धन को लेकर कई मृग फार्म भी बनाए गए हैं, लेकिन वह अपनी सार्थकता को साबित नहीं कर पाए हैं। गौरतलब ये है कि कस्तूरी मृग बिहारों में कस्तूरी मृगों का प्रजनन कर उनकी नाभि से कस्तूरी निकाली जाती थी, फिर पुनः उन्हें कस्तूरी पैदा करने के लिए फिर से जंगल में छोड़ देते थे, लेकिन यह विधि ज्यादा कारगर नहीं हो पाई और ये बिहार असफल हो गए। कस्तूरी मृग एक एकांत और शर्मीली प्रजाति है, इसलिए इसको कैद में रखना बहुत मुश्किल है। कस्तूरी मृग यदि कैद कर लिया जाता है तो इसकी आयु आधी रह जाती है। बंदी मृग निराश रहने के कारण जोड़ा भी नहीं बनाता, अर्थात संतानोत्पत्ति भी नहीं करता।